बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंची ने कोई विरला भेजी, आपको ध्यान होगा मैंने कल ये प्रसंग उठाया था कि शिक्षा जगत में प्रथम्या स्वर व्यंजन सिखाए जाते हैं और गिनती, जब तक वो स्वर व्यंजन नहीं समझा आगे भाषा नहीं समझ सकेगा, लिख भी नहीं सकेगा। इस तरह अध्यात्म में संतत्व की धारा में सबसे पहले मन पर कंसंट्रेट होना है, आपका बैरी मन के अलावा है ही नहीं। आपको अपने निज रूप से व्रत करने वाला अगर कोई है तो वह है मन। इसलिए इस मन पर साहब के अनंत साखी शब्द है, तेरा बेरी कोई नहीं तेरा बेरी मन। इसको गंभीरता से मनन करना है। इस पर मन मा शून्य ज्योति दिखलावे, नाना भ्रम मन ही उपजावे। जितने भी भ्रम और जितने भी विवाद जितने भी संकल्प विकल्प है ये सब मन के द्वारा हो रहे हैं। निराकार मन उपजा भाई, मन की मांड तेह पुरछाई। मन निराकार है, मन की मांड तेह पुरछाई। मंडवा जैसे तांत हैं इस तरह साहब कह रहे हैं मन का ये मंडवा तीन लोक में है। अनेक ठाव जीव नावे माथा, आप न चीने धोखा पाए। सही में वो अपने को नहीं समझ पा रहा है। तेरा साईं तुझ में है, जो पहुपन में बास, जो पहुपन में बांस बास खुशबू पहु फूल को कह दे। कस्तूरी कुंडल वसे मृग खोजे मरमा, ऐसे घटकर साई आम मूर्ख जानतना। यह सब देख निरंजन आशा, सत्य नाम बिन कटे न फांसा। यह काट सिद्धांत है कि नाम के बिना हृदय कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाश नचावन ली। बाजीगर बंदर को बहुत दुख देता है, उसे अप्रासंगिक जिंदगी जीने के लिए बाध्य करता है। इसलिए हमारे यहां किसी पक्षी को पिंजरे में रखना, पालना, बंधन में डालना, खरगोश को बंधन में डालना वर्जित है, ये अत्याचार है। इससे उनका प्रासंगिक जीवन खंडित हो जाएगा। इस तरह इस आत्मा को मन ने फंसा कर रखा है और साहब यही कह रहे हैं, नाना तरह के कर्म करा रहा है आत्मा से। इतनी ब्रह्म स्वरूपणी आत्मा क्या क्या अनर्थकारी कार्य मनुष्य कर रहा है, आप विचार करें। ये सब आत्मा की रवायत नहीं है। यह विधि यह मन जीव न चाहे, कर्म भरम भव फंद धड़ाए। सत्य शब्द मन देह उछेदी, सत्य शब्द मन देह उछेदी, उछेद देता है। आप देखे जब भी आप स्थिर होना चाहते तो बाधा कौन डालता है, मन डालता है। मन चीने कोई वर्ला भेदी, ये पकड़ में नहीं आता। सब अपने को मन समझ बैठे हैं, सब अपने को तन समझ बैठे हैं, यही तो भ्रम है। जैसे स्वप्न अवस्था में मनुष्य विविध दृश्य और सब चीजों को देखता है,
पर अपने को नहीं देख पाता है। स्वप्न में ये शरीर नहीं होता है, लिंग देही होती है जो अंगुष्ठ प्रमाण है, अंगूठे जितनी है। उस शरीर को वो देख नहीं पाता है, बाकी सब दृश्य देखता है, समझता है, बात करता है, बाकी को पहचानता है, निस्वरूप तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरह मनुष्य जागृत अवस्था में भी संपूर्ण संसार को देख रहा है पर निस्वरूप को नहीं देख रहा है, वो नहीं देखने देता है। पुरुष शब्द मन देह सुनत मन देह उच्छेदी, उच्छेद देता है। आपन दिशा जीव ले बही, हाँ अपनी दिशा लेकर के चलता है। अपनी दिशा क्या है? कोई ना कोई संकल्प उठा देगा, बस आप उस संकल्प में भ्रमण करते रहेंगे। यही तो मन है ना। सुन धर्मन ये मन व्यवहारा, मन चीन्हे पावे पत सारा। हे धर्मदास, इसलिए मन को समझो। मन को समझने के बाद सार पद की प्राप्ति होगी। यातन भीतर और रहे न कोई, मन और जीव रहे मिल दोई। वाह, मन और जीव रहे मिल दोई। पांच पसी तीन मन झेला, पांच सत्तर पच्चीस प्रकृति तीन गुण, ये सब आए निरंजन चेला। ये मन की आज्ञा मानते हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भाई जब हम कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे ये आलोचक है। गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं ना, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। वाह, आवत देख विषय बयारी, ते जट देह कपाट उगाड़ी। इंद्रन ज्ञान न सुरन सहाई, सुर देवताओं को कह रहे हैं, सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि जो देवता इंद्रियों पर रहने वाले हैं वो उनको ज्ञान से नहीं मतलब है। हाँ, यानी हमें बांधने में उनका भी हाथ है। विषय भोग पर प्रीत सदाई, विषयों की तरफ। पुरुष अंश जीव आय समाना, सुध भूली निज घर सहदाना। सहदाना कहते हैं परिचय को, पते को। सुध भूली निज घर सहदाना, अपने घर का पता ही भूल गया। अनंत शब्दों में साहब ने इसका उल्लेख कर दिया। जीड़ा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। पांच पच्चीस तीन का पिंजड़ा, तहमे तो को राखा भरमाई। अनंत शब्दों में इसका उल्लेख किया और कह रहे चेत सवेरे बामरे। इन सब मिल जीव ही घेरा, बिन परिचय जीव यम को चेरा। इन सब ने मिलकर आत्मा को घेरा है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बिचारा जीव, जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे भी। आगे क्या करें, भर्मवशी जीव आप न जाना, जस सुगना नलनी फंदाना। प्रमाण और रूपक साहब ने अतुल्य दिए हैं। जैसे सुगना तोते को कहते हैं, नलनी फंदाना बांस की नलिका होती है। एक चरखी बनाते हैं तोते को पकड़ने के लिए, उस पर नलिका रखते हैं और एक शीशा भी रखते हैं, एक फल बांध देते हैं। तोता दूर से देखता है फल है, खाने के लिए बैठता है, वजन से नलिका घूम जाती है तो तोते के पैर ऊपर हो जाते हैं और धड़ नीचे। शीशे में फिर देखता है, सोचता है और तोते ने पकड़ लिया,
कोई और तोता नहीं था वहां, उसको ब्रह्म हो गया। ब्रह्म किसके कारण हुआ? दर्पण के कारण। इस तरह यहां संसार में जीव को ब्रह्म किस कारण हुआ? इंद्रियों के कारण, मन के कारण, शरीर के कारण, माया के कारण। मन माया तो एक है, माया मन है समाय, मन माया एक है। जिम के हर छाया दल देखे, निज छाया द्वितीया कर लेखे, केहर शेर को कहते। शेर कुएं में अपनी परछाई देख करके दूसरा केहर समझता है, शेर समझता है। धाय परे जल प्राण गवावे, असजीव दो का चीन न पाए। वो कूद पड़ता है, उसे किसी ने धक्का नहीं दिया, अपनी प्रक्रिया से अपना ही विनाश किया अज्ञान के कारण। अज्ञान ही तो संसार की आत्मा है। काश महल जिम भूखे सोना, निज आकार द्वितीया कर जाना। कांच के महल में कुत्ता अपने ही आकार को देखकर दूसरे कुत्ते समझकर भौंक कर मर जाता है, किसी ने नहीं मारा अपनी प्रक्रिया से। ऐसे मन जीव धोख लगाई, गरा से काल तभे परसाई। मन ही आए काल कराला। सतगुरु शब्द प्रीत ना करेगी, ताते जीव नष्ट सब पड़ेगी। कृत्रिम नाम निरंजन साखा, आदि नाम सतगुरु अभिलाषा। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बढ़ला कोई। धर्मदास जी भयो बेगाना, धोखे सुधा गरल लपटाना। धोखे सुधा, सुधा अमृत को कहते हैं, गरल विष को कहते हैं, लपटाना उसमें लिपट गया। अर्थात संसार के जिन पदार्थों में वो आनंद समझता है वो सब विष तुल्य है। सदगुरु चरण प्रीतना करी, सदगुरु मिले निज घर संचरई। यहां सदगुरु शब्द का सृजन साहब ने किया है, इससे पहले सदगुरु शब्द कहीं नहीं है और संत शब्द भी नहीं है। ऋषि है, मुनि है, योगी है, तपस्वी है, साधक है, साधु है। चीन रहे भिन्न धर्मन, शब्द मम दीपक रहे। बुरा है धर्मदास, मेरे शब्द जो है दीपक की तरह है, वो तुम्हें दिशा देंगे। यह भिन्न भाव दिखा तो कह, देख जीव यमुना गए। अब यहां साहब बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुझे एक भिन्न ताकत दूंगा जिसके कारण से यम पकड़ नहीं पाएगा। वो क्या देंगे आप सुनना। जौ लो गणपत जागही, नहीं संधि पावे तस्करा, नहीं सेंध पावे तस्करा। जब तक घर का स्वामी जाग रहा है तस्कर सेंध नहीं मार सकता। गाफिल भयो जब नींद में, तभी इस तस्कर संचरा। अब साहब क्या कह रहे हैं, गाफिल भयो जब नींद में, तभी तस्कर संचरा। कह रहे हैं जब नींद में गाफिल हुआ तभी तस्कर संचरता है। जागृत कला अनुप, अगर नामदान के टाइम आपको सबसे अनूठी चीज दी है तो है आपकी चेतना जगा दी गई। वाह, आपकी चेतना जगा दी गई। आप विचार करें उसको काल क्या करे जो आठ भैरव। आप सच में चेतन हो गए, और चेतना आत्मा की वृत्ति है, अचेतना ही मन है। तभी साहब करे चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछताए।
ये जो आपकी चेतना है अद्वित सत्ता है। और गोस्वामी जी ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन बड़े सुंदर अलंकार से किया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहले तो अविनाशी चेतन, दूसरा चेतन अमल सहज सुख राशि, पांच चीजें बोल दी। पहला अविनाशी, दूसरा चेतन, तीसरा अमल जिसमें गंदगी नहीं है, चौथा सुख राशि आनंद में। जागृत कला अनूप ताह काल पावे नहीं, भर्म तिमिर अंधकूप शल यमराज जीवनाग्र से। कहा हे धर्मदास, इस तरह ये जीव फिर आत्मा को ग्रसित नहीं कर सकता है, इसलिए पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी एक लोहा एक कंचन के लिए, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी एक लोहा एक कंचन के लिए, पर निष्काम भाव से किया जाए कर्म, यही वासुदेव कृष्ण ने भी कहा। मन को अंग सुनो जनसूरा, चोर साह परखो गुरुपुरा। कह रहे हैं मन के अंग को सुनो और चोर साह को समझो, मन के अंग को ठीक से समझो। मन ही आए काल कराला, आप विचार करें कहीं संशय नहीं छोड़ा है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा। अब यहां साहब जीव को सतर्क कर रहे हैं, चेतन कर रहे हैं कि भाई आपका बैरी कोई नहीं है, इस मन आठ बार सोवत जागत, सोवत जागत धर धर मारे। ये मन का हमला 24 घंटे आपके ऊपर हो रहा है, आपका बैरी और कोई नहीं है। अगर आपका बैरी है तो आपका बैरी मन ही है, इससे हमेशा सतर्क रखो। सुंदर नार दृष्टि जब आवे, मन उमंग तन काम सतावे। विचार करें ये सभी चीजें में सभी मिलजुल कर तो आत्मा को बांधे है ना, इन सब ने तो इन सब मिल जीव ही घेरा। इन सब मिल जीव ही घेरा, बिन परिचय मन जीव को चेरा, बिन परिचय जीव मन को चेरा। नार भोग इंद्रिय रस लेना, ताकत पाप जीव से लेना। इंद्रियों का जो आनंद है वो मन ही लेता है, लेकिन इसका पाप पुण्य इसका प्रतिभोग आत्मा भोगती है। द्रव्य पराई आन सुहाने, ताके पाप जीव ले साने। कर्म कमावे या मन भोरा, शासत सहे जीव मत भोरा। शासत कहते हैं कष्ट और भोग दुख सहता है फिर ये जीव बिचारा। कर्म करावे आप, कष्ट देव पुनः जीव को। कर्म करावे आप, कष्ट देव पुनः जीव को।
ये नाना प्रकार के कर्म में मन कराता है, लेकिन इसका कष्ट फिर जीवात्मा को दिया जाता है। आप विचार करें कितनी चालाकी से इस आत्मा को बांध दिया गया है। संत द्रोह और गुरु की निंदा यह मन कर्म काल मत फंदा। संतों का द्रोह करता है और महान पाप का भागी हो जाता है। ग्रही होए पर नारी जोवे यह मन अंधकर्म विष्भोवे। अब इस पर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, इसको महापाप बोला है। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है। रावण के दस सिर गए पर नारी के माँ है। ये क्यों है इतना बड़ा पाप वो सुने। हर आदमी संसार के अंदर एक घर बसाता है, ब्याह शादी करके बाल बच्चे होते हैं। जब आप पर स्त्री से संबंध और संपर्क स्थापित करेंगे, इस धर्म में वर्जित है, पति दुखी हो जाता है, या तो उसको त्याग देता है या तो मार देता है, और वो नन्हे मुन्ने बच्चे बेघर हो जाते हैं। मैंने एक प्रसंग पहले भी उठाया, एक आदमी ने किसी एक बिहार के रहने वाले इंजीनियर से दोस्ती की। उसकी स्त्री से उसका लगाव हो गया, दो बच्चे थे उसके, एक मां का दूध पीता था, एक दो ढाई साल का था। वो आदमी उस इंजीनियर की स्त्री को, मित्र थे दोनों, देखिए ना, मैं कहता हूं मित्रता वगैरह कुछ नहीं है, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे कर, ना काउ से दोस्ती ना काउ से बैर। वो भगिया गई अज्ञात में। अब जो अपने मित्र की बीवी लेके भगा, उसकी बीवी के भी उसके भी दो बच्चे थे। अब प्रक्रिया क्या हुई आपको बताना चाहता हूं, क्यों पाप है। पाप नहीं, महापाप है। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुण ना है। रावण के दसर गए परनारी के माँ। इंसान सिर्फ नारी में, नारी को एक संभोग का यंत्र मानता है, ये भूल है। नारी में केवल संभोग की आकांक्षा करना मूर्खता है, जड़ता है। ए फीमेल इज ए गुड फ्रेंड ऑफ द मेल। और गुड एडवाइजर ऑफ द लाइफ, गुड पार्टनर ऑफ द लाइफ। नारी के कोमोरिया में ही नहीं मग्न होना है, उसके व्यवहार, उसकी प्रसन्नता, उसकी हंसी, उसका इस लवण्य को आप समझे। यही बात तो वार्षिक कृष्ण ने भी की ना। आदमी ले लेकर बस उन्हीं इंद्रियों तक पहुंच जाता है। अब यहां साहब एक शब्द कितना साफ कह रहे हैं, पर नारी मनंग भई। मनंग कहते खुश, दे न सकत कुछ और कुछ नहीं दे सकती। गुह मूत आगे धरे, यही नरक का ठोर। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर साहब कुछ नहीं बोले हो। नारी में लवण्य तो है, बाप बेटी से देखो प्रेम करता है, उस प्रेम का आनंद कुछ अलग है। भाई बहन से प्रेम करता है, उस प्रेम का सुपंदन और आनंद कुछ अलग है। तो वो आदमी साल भर ढूंढता रहा, न उसको अपना मित्र मिला, ना अपनी पत्नी, ना बच्चे। मेरे पास आया, मेरा दीक्षित नहीं था, बोला आपका एक शिष्य मेरी बीवी को लेके चला गया। चलो मेरी बीवी अगर वो ले गया कोई बात नहीं, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। देखा बच्चों से अटैचमेंट होती है बड़ी। आप कल्पना करें वो कितना व्यथित था। इसी तरह उसकी बीवी जो
अपने मित्र की बीवी को लेके भाग गया। उसकी बीवी भी मेरी शिष्या थी, बहुत दुखी होती थी, मेरे पास आकर के प्रार्थना करती थी, गुरुजी मैं तो आपकी कृपा से स्मरण में हूं, उतना मैं दुख नहीं फील कर रही हूं, लेकिन बच्चे मुझे परेशान करते हैं, कहते हैं पापा चाहिए। बच्चों को तो दोनों चाहिए ना, बच्चों को तो माँ भी चाहिए पापा भी चाहिए। देखा कितने बाल हृदयों को उसने व्यथित कर डाला, कितना बड़ा पाप कर दिया, पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, उसके परिवार को भी अपने परिवार को भी। क्या था? अरे जो पदार्थ भोग की इंद्रियां रानी के पास है वही कहानी के पास थी। तुम कहां गफलत में जा रहे हो? परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुण ना, रावण के दस्तर गए परनारी के माँ, परनारी पहनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के दस्तर गए परनारी के संग। परनारी के रास्ते अवगुण, परनारी का राशना जो लहसुन की घ्राण, कोने बैठ के खाइए प्रकटे तुरंत निदान। ये ट्रेडिशन अब शुरू हुई है बहुत तगड़ी। पहले इक्का दुक्का केस होते थे, अभी तो बहुत केस हो रहे। इसलिए ये काम प्रबल है और क्रोध प्रबल है, लोभ प्रबल है, इसके वेग में बड़े बड़े बह जाते हैं। पर जहां नाम कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। वाह साहब करें, जहां नाम तहां कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। अभी क्या कर रहे हैं आप सुने? बहुर होए सांड कर अवतारा, बहु गायन को होए भरतारा। ऐसा करने वाला सांड का जन्म लेता है। फिर साहब ने कुछ भी तो नहीं छोड़ा। कह रहे हैं परिस्त्री गमन करने वाले का फिर अगला जन्म सांड का होता है। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। कर्म योग है मन को फंदा, होए निकर्म मिटे दुख धुंधा। कर्म योग तो मन का फंदा है। सुनो धर्मन मन भावना, कह लग कहूं नरवार के। कह रहे हे धर्मदास पे मन की इस स्थिति का निर्वारण कहां तक करूं? त्रयदेव तो 33 कोटि फंदे, हाँ त्रयदेव 33 कोटि फंदे, शेष सुर रहे हार के। इसके आगे त्रिदेव 33 कोटि देवता और शेष शारद भी हार गए। ये इतना प्रबल है। सतगुरु नानक कोई लख ना पावे, पड़े कृत्रिम जाल। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, नाम के बाद आपको मन पूरा पूरा दिखेगा ऑन स्क्रीन। जैसे हृदय की गति, हृदय की स्थिति को जानने के लिए यंत्र बने हैं, वो पूरी हृदय की कैसे धड़कने हो रही दिखाते हैं ऑन स्क्रीन। साहब दिखा रहे हैं मन को, बस समझने की बात है। विरला संत विवेक कर, छीन छोड़ी है कालो। सदगुरु के विश्वास मन मरण भय नाशयी, धर्मन सो निजदास सत्य नाम जो दृढ़ गए। आगे कह रहे कह लो कहो छिनादी जम के मन के। कोई संत कोई कोई परखे हैं, बोला मैं कहां तक इस मन के विषय में बोलूं? कोई कोई संत मेरी बात जान रहा है। ज्ञान मार्ग दृढ़ रहे तब सत्य मार्ग सूझे हैं। यानी जब गुरु ज्ञान उत्पन्न कर देता है, ज्ञान यही उत्पन्न हो जाता है कि परम चेतन कर देता है। अगर नाम दान के बाद आपके पास सबसे विशिष्ट ताकत कोई आई है तो दिव्य चेतना। आप हमेशा होशियार है, आप एकाग्र है। पहले आपकी चेतना पूरी बॉडी में थी, वो चेतना गुरु ने समेट कर आज्ञा चक्र में कर दी। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, उसको काल क्या करे जो 8 पहर होशियार। ची नहीं यम शलमता, तब ची नहीं थे न्यारो। बुरा तब पहचान में आ जाएंगे पूरे शलमत, मन की पूरी कलाएं, मन के संकल्प विकल्प, ये सब समझ में आते जाएंगे। सदगुरु शरण यम त्रास नाशे, अटल सुख आनंद रहे। हे धर्मदास इस तरह से गुरु की कृपा से यम का त्रास खत्म हो जाता है, अटल आनंद को प्राप्त करता है।
धर्मदास कह रहे हैं, हे सदगुरु, मैं आपकी बात समझ चुका, अब मुझे अब भाको प्रभु आपन डोरी कैश रहनी यम तिनका तोड़ी। बोले अब कृपा करके अपनी डोर बताओ ना। ध्यान से सुनिएगा, धर्मन सुन पुरुष प्रभाव पुरुष डोर तो है अभय चिन्हाऊ। कह रहे मैं तुम्हें परमात्मा की डोर अभी बताता हूं। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसा। हे धर्मदास, जब उस परम सत्ता की ताकत अंदर में गुरु प्रविष्ट करता है फिर मन का जोर नहीं चलेगा। पुरुष शक्ति सुन खोडस है ही, खोडस 16 को कहते हैं। शक्ति संग जीव लोक कह जाई, इसी शक्ति के साथ जीव लोक में जाता है। आज मेरे पास एक लड़का मेरा सत्संगी आया, वो मुझे एक प्रार्थना कर रहा था। गुरुजी पोस्ट ग्रेजुएट था, संस्कृत से विद्वान था। बोला कोई जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल संस्कृत की क्रेज, ये देववाणी है संस्कृत, बहुत लुप्त होती जा रही है। सर्वे में आया है कि 10,000 लोगों में सिर्फ एक आदमी संस्कृत जानता है, 0.0001, यानी 1,000 में एक आदमी संस्कृत का ज्ञात। इसलिए क्रेजी खत्म हो गई है संस्कृत, और बड़ी मृत भाषा है। कल मैंने संस्कृत भाषा पर व्याख्या दी थी। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। अब पुरुष शक्ति क्या है? पुरुष शक्ति सुन खोडस है, खोडस 16 को कह दे, खट और 10 खोडस। शक्ति संग जीव लोक कह जाए, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। बिना शक्ति नहीं पंच चले, शक्तिहीन जीव भोग अर्ज ही। बोला इस शक्ति के बिना जीव उलझा ही रहेगा। शक्तिहीन जीव भव अर्जाई। अब वो खोडे 16, वो 16 शक्तियां बोल रहे, ज्ञान विवेक सत्य संतोषा। पहला ज्ञान, दूसरा विवेक, तीसरा सत्य, चौथा संतोष। प्रेम भाव धीरज निर्घोषा, प्रेम पांचवा, धीरज छठा, निर्घोषता किसी के लिए भी बदले की भावना न हो, दया आठवां, क्षमा नवा, और शील निकर्मा निष्कर्मता बारवा, ग्यारवा त्याग वैराग्य शांति निज धर्मा। त्याग वैराग्य और शांति, करुणा कर निज जीव उबारे, मित्र समान सबको चित्तारे। ये 16 शक्तियां, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप बीज बो, 6 चीजें खुद पैदा हो जाएगी, जड़, तना, शाखाएं, पत्र, फूल, फल, ये स्वति उत्पन्न हो जाएंगे। इन मिल रहे लोक विश्रामा, चले पंथ निरखी निजधाम। कह रहे हैं तब वो विचार से दुनिया में चलेगा। इसी को तो गोस्वामी जी कह रहे ना, श्री गुरुपद नक गणमण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। ये आपको मदद करते चलेंगे। आप देखिए नाम के बाद और आगे क्या करें, गुरु सेवा गुरुपद प्रतीति, जय और बसे चले जम जीती। गुरु सेवा गुरुपद प्रतीति, गुरु के चरणों का विश्वास, आदम पूजा संत समागम, महिमा संत कहत निगमागम। इसलिए संतों की महिमा निगमा अगम भी कह रहे हैं। गुरु सम संत भक्ति और आधे, ममता मोह क्रोध गुण साधे। अमृत वृक्ष पुरुष सत्मनामा, पुरुष सखा सत अविचल धामा।
यह सब डोर पुरुष की आई, सत्य नाम गए सतपुरुष जाई। कह रहे हैं दिव्य चक्षु हो जाती है इस नाम को प्राप्त करके, तब भी अपने देश जाएगा। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप विचार करके देखें नाम के बाद आपका कितना बदला हुआ, यही चीज मैं बोल रहा हूं। चक्षहीन घर जाए ना प्राणी, यह सब कहे पंथ सैतान। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री गुरुपद नखर गणमण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दिव्य दृष्टि होती है, यही ताकत आ जाती है तो सद्गुण आ जाते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। पुरुष नाम चक्ष परमाना, लहे जीव तब जाए ठिकाना, दृढ़ प्रतीत गहे गुरु चरणा, मिटे तास जन्म और मरणा। दृढ़ प्रतीत, एक, एक, एक होता है विश्वास, एक होता है दृढ़ विश्वास, एक होता है प्रेम, एक होता है अगाढ़ प्रेम। तो कहते हैं दृढ़ प्रेम हो गुरु चरण में सो जीव लहे लोक विश्रामा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।